एक्सीडेंट की तरफ आते हैं, थोड़ा सा उसको भी टच करते हैं, कैसे हुआ एक्सीडेंट? यार हम लोग दिल्ली या दहलीज के शूट पे थे, उसमें बीच में एक्सीडेंट हुआ, 12 हड्डियाँ टूट गई मेरी 2 months. एक्सीडेंट हुआ था, यू बिकॉज आई हैव बीन इन एन एक्सीडेंट. ओह अच्छा. आपको रियलाइज नहीं होता आपको हिट कर गया है? नहीं बिल्कुल भी नहीं है, वो मेमोरी भी नहीं है. नहीं होती, मतलब मुझे जब हुआ था तो मैंने कहा मेरे साथ क्या हो गया, आंखें बंद हुई आंखें खुली तो सायरन बज रहे थे और धुआं उठ रहा था. आपके साथ भी बिल्कुल सेम था, मुझे कोई मेमोरी नहीं है उस. बट आप हॉस्पिटल में जागी थी उधर एक्सीडेंट के सीन? नहीं नहीं, मैं उधर ही जाग गई थी. तो आई हैव सर्वाइव विदाउट एनी मेडिकेशन फॉर 8 hours विद 12 बोन्स ब्रोकन और ब्लीड कर रही थी, ये फट गया था ये फट गया था और रिब्स अंदर चली गई थी और बहुत बुरा हाल था. राइट साइड पूरा फ्रैक्चर हो गया था. तो हाँ 8 घंटे के बाद मुझे डॉक्टर शाह, अल्लाह उन्हें ज़िंदगी, वो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनकी डेथ हो गई. तो डॉक्टर शाह ने मुझे पूरा ट्रीटमेंट किया था मेरा और जिन्ना हॉस्पिटल से फिर AO क्लिनिक गए और वहाँ पर हुआ. तो सुबह 4 बजे, 8 बजे एक्सीडेंट हुआ था, सुबह 4 बजे 5 बजे तकरीबन मुझको उन्होंने इंजेक्शन देके सुलाया था. उससे पहले मैं प्रॉपरली अवेक थी. तो क्या कर रहे, चेकअप कर रहे थे ऑपरेशन उसके नहीं बाद? यार एक्चुअली क्या हुआ कि जब हम जिना में गए तो उनके पास वो फैसिलिटीज़ नहीं थी कि वो मेरा बॉडी स्कैन कर सके कि मैं कहाँ कहाँ से टूटी हूँ, और उस वक्त नहीं थी. मे बी आई एम श्योर अभी होंगी उनके पास, बट अभी भी बहुत से हॉस्पिटल ऐसे होंगे जिसमें नहीं है राइट. और घारों में एक्सीडेंट हुआ था तो घारों के हॉस्पिटल में तो वैसे ही कोई नहीं था. और घारों से आप उस हालत, घारों से मैं ट्रक पर लेट कर कराची आई हूँ. फिर कराची में मैं एम्बुलेंस में लेट कर AO क्लिनिक गई हूँ जिना से. बहुत गंदा, बहुत बहुत बुरा पैच था वो. और मैं तो सोच भी नहीं सकती हाईवे पे रोड, हाईवे पे लाइट्स नहीं है, बहुत सारे इश्यूज हैं हमारे यहाँ. कोई नहीं था देखने वाला कि किस ट्रक ने मारा. बाद में जब हमने टीवी में मैंने बात की कि इस तरह से है और देखें, तो उन्होंने कहा यार हम देखें या वो देखें, पता नहीं तुम्हारी गलती थी, पता नहीं उसकी गलती थी. आपको मतलब देयर इज नथिंग, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं थी कि आप पूछते या उस बंदे को जेल कराते या पकड़ते कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ उसके साथ जाती हूँ. कुछ तो करते, कुछ नहीं किसी ने किया. जस्ट बिकॉज वेस्टेज ऑफ टाइम होएगा या हम, अब कौन भागेगा? क्योंकि मेरा भाई तो छोटा था तो घर में कोई मर्द तो था नहीं, पापा बीमार थे तो कौन भागता हमारे घर से? तो वही सब भाग. और जितने एक्टर्स हैं, जिस जैसे आपने कहा फैसल कुरैशी है, हुमायूं है, अदनान, इनका बहुत बड़ा पन था कि ये वहाँ मौजूद थे, मेरे पास थे, एटलीस्ट यू नो हॉस्पिटल में थे. एंजेलिन मलिक को मतलब दे ऑल केम टू हॉस्पिटल जैसे उन्हें पता चला. मतलब डॉक्टर शाह ने कहा था कि इतना तो मुशरफ साहब एडमिट हुए थे तब इतना रश नहीं था जितना तुम्हारे वक्त में, तुम तबाह हो जाओ घर. मैंने कहा मुशरफ साहब का वो, मैंने कहा प्लीज़ सर मुझे 1-2 हफ्ते तो रहने, 2 हफ्ते हो गए चलो घर. डॉक्टर शाह से बहुत रश हो गया, सब लोग बहुत, मतलब स्टूडियो का जो चौकीदार था ना गेट पे वो तक आया था मुझे देखने. That's so nice, माशाल्लाह से. इंडस्ट्री लव्ड मी लाइक एनीथिंग. मैं तुम्हें बता ही नहीं सकती मेरी इंडस्ट्री कितनी अच्छी है और कितने अच्छे लोग हैं. माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं, माशाल्लाह. That's so good to hear. तो फैसल कुरैशी का खून आपकी रगों में दौड़ता है, ये भी मैंने डायलॉग किसी आई एम द लकी वन. मुझे इतना ये फैसिनेट किया ये जुमला, वो बताएं जी वो कैसे हुआ? फैसल इज सच अ जेंटलमैन. मैं तुम्हें क्या बताऊं कि मेरा ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप है तो मेरा ब्लड ग्रुप नहीं मिलता, तो उसके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे. तो हम 4 बॉटल्स देते थे रेगुलर ब्लड की तो वाइट सेल्स मिलते थे हमको, और एक अजाब पड़ा हुआ था. तो जितने लोग आए हुए थे सभी खून दे रहे थे. तो वो उस वक्त ये हुआ कि उस वक्त अवेलेबल ही नहीं था ब्लड और डायरेक्ट लगना था फौरन चाहिए था. तो फैसल का और मेरा शायद ब्लड ग्रुप मिल गया या क्या हुआ, तो बस फैसल का खून मेरे जिस्म में दौड़ रहा है और उसने मुझे खून दिया. उसामा अली रजा उसने मुझे ब्लड दिया, बहुत सारे लोगों ने. आई थिंक मुझे याद भी नहीं है कौन कौन था वहाँ, बट मेरे सारे अपने थे प्यारे थे. और जब आप रिकवर कर गई फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस जिंदगी तरफ, थोड़ा मसला हुआ बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अब शायद मैं कभी वापस नहीं आऊँगी इंडस्ट्री में और मैं मरवर जाऊँगी और मैं चल नहीं पाऊँगी. और हाँ वाज इट डिफिकल्ट चलना वो सारा फिजियोथेरेपी जी, क्योंकि पूरा राइट साइड अफेक्टेड थी तो एंकल टूट गया था ना, तो घुटना भी, हिप बोन, पेल्विस सब टूट गया था. तो मैं पतली बहुत थी तो इसलिए डॉक्टर शाह कहते हैं कि शायद मैंने जल्दी रिकवर किया, बिकॉज मैं थिन थी, लीन थी. और अब क्योंकि मैं कथक सीखा था निगत चौधरी से एक टाइम पर, तो मेरी मूवमेंट थी हाथों की, पोस्चर सीधा था, तो जल्दी रिकवरी होगी. अगर रिकवर मैं थोड़ा सा वेट ज़्यादा होता
और टाइम लगता तो रिकवरी टाइम बहुत देर में जाता और थोड़ा सा लिम्प भी आ सकता था और हो सकता है मैं ना ही चल पाती अगर विल पावर नहीं होती. तो उस वक्त विल पावर ने बड़ा काम किया. मैं कहा नहीं मैं करना है. तो कमिंग बैक टू काज़िम पाशा फ्रॉम देयर इफ यू रिमेंबर मैंने आपको शुरू में बताया था. तो आफ्टर माय एक्सीडेंट ही कॉल्ड एंड सेड मैं एक सीरियल कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम वो सीरियल करो. तो मैंने कहा काज़िम साहब अभी तो मैं चल भी नहीं सकती. हाँ हाँ मगर मैं चाहता हूँ बस तुम करो. मैंने कहा अच्छा. और मैंने काज़िम साहब के साथ उसके बाद 4 सीरियल्स किए और मैं अपनी ज़िंदगी का वाहिद अवार्ड उठाया विच इज़ PTV अवार्ड फ्रॉम काज़िम पाशा सीरियल. तो ट्रांजेक्शन या आपका सफ़र ऐसा होना चाहिए कि जहाँ से आप निकाले गए हैं वहाँ पे ही आप वेलकम हों. ऐसे कि वो आपका ही था. कैसा लगा जब आपने वर्क किया और मैं तो स्टेज पे कहा थैंक यू काज़िम साहब फॉर थ्रोइंग मी आउट. बोला ना आपको टाइम याद है जब आपने मुझे. नो आई सेड इट आई सेड थैंक यू सो मच फॉर थ्रोइंग मी आउट ऑफ द स्टूडियो. अच्छा सॉरी आई मिस्ड दैट टाइम. या आई डिड इट ऑन द स्टेज. आई सेड थैंक यू काज़िम साहब अगर आपने मुझे नहीं निकाला होता मैं इतनी मेहनत नहीं करती शायद लाइफ में. कितनी आपने सही बात बोली. अब रिजेक्शंस को कितना वो नेगेटिवली ले लेते हैं. तो मैं मेरी तो जिंदगी में आई रिजेक्शन ना मैं उसी से खड़े होते गई. तो आईंदा मुझे कोई ऐसी बात नहीं करना फिर खड़े हो. नहीं नहीं भाई मैं तो कोई पंगा नहीं ले रही सॉरी. हाँ कैप्रिकॉन का मसला है ये. पंगा नहीं लेना चाहिए. तो फैमिली के साथ काम करना आसान होता है अभी आप और अनुषेक कर रही हैं. हाँ हाँ वैसे बहुत मजा आता है. गप्पे मारते हैं. कभी ये नहीं होता है कि क्या कर रही हो सीन सही करो देर क्यों लगा रही हो ये. नहीं नहीं एक्चुअली मुझे मैं बिलीव करती हूँ कि जो जो एक्टिंग कर रहा है ना वो अपने मेथड से कर रहा है. तो मुझे किसी को मेथड नहीं समझाना. सबका अपना है. मेरा भी अपना है. ठीक है. हाँ मैं इट्सी बिट्सी ज़रूर करूँगी वो क्योंकि मैं बड़ी हूँ तो आई थिंक वो मेरे पास राइट होता है. तो कभी कभी अपना राइट यूज़ करने में मज़ा आता है ना. तो हाँ वो मैं ज़रूर करती हूँ कि नहीं नहीं ऐसे नहीं इसको ये कर लेना. लेकिन मैं इम्पोज नहीं करती. हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि ये ऐसे कर लो. हाँ अनुषा को मैं ज़रूर बोलती हूँ कि अच्छे प्रोड्यूसर्स के साथ काम करे अच्छे डायरेक्टर्स के साथ. शी इज़ डूइंग नाउ माशाल्लाह से. आई एम सो प्राउड ऑफ हर कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और अच्छी लग भी रही है. पतली हो गई है तो अच्छी बहुत प्यारी लग रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है. आपने भी आपका भी तो एक जर्नी था लूजिंग वेट एंड एवरीथिंग. वो कैसे हुआ उसमें कोई टिप्स शेयर कर सकती है या हम सब स्ट्रगल कर रहे होते हैं. तुम तो बिल्कुल भी मत करो. तुम्हें क्या जरूरत है. तसा तो मुंह नुक्ते टाइप का लमिया ले लिया. हमसे पूछे इतने बड़े बड़े मुंह लेके हम उसको पूरा मेकअप थोपते. अभी जो मेरी आई तो मैं इतने बड़े झुमके पहन के बैठी थी. मैंने कहा उतारो इनको यार. नहीं इशी सर आपने बिल्कुल ट्रेंडी आना जैसे आप पैसे कच्चा ठीक है. बोला मैं मेकअप करूँ मैं क्या. मैंने कहा जैसे आपका दिल चाह रहा है आप वैसे आए. बहुत सवाल किए मैंने इससे आने से. और मेरा मैं कही यार वो इतनी कूल लग रही होंगी. अच्छा अब चलो तुम थोड़ा सा ना स्टाइल मारने के लिए वो इयरिंग ले लो. तो जी भैया इतनी वो आई. मैंने कहा नहीं भाई ये चमक चलो मैं नहीं बन सकती. उतार के मैंने नहीं नहीं बहुत अच्छी लग रही थी ऐसी बात. एक्चुअली मैं सोच नहीं आप चमक चलो लग रहे थे बट आपने बोला नहीं. ना आज तक मैं चमक चलो लग रही होंगी इसको तो मैं जरा नॉर्मलाइज हो जाऊँ. अच्छा हम क्या बात करते हैं. मैं तो बात भूल गए. छोड़ो नई बात करते हैं. नई बात करते हैं. जहाँ बात भूलें वहाँ से नहीं. ये भी सही बात है. अच्छा तो कैमरा रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले मैंने इनसे कुछ बात. उन्होंने कहा आपको तुम्हें मेरे बारे में ये पता है ये पता है ये पता है. मैंने कहा मुझे इनमें से कुछ नहीं पता. तो अब वही लिस्ट बताएं कि आपको पता है कि ये निटिंग क्रोशे करती हैं नॉट निटिंग सॉरी क्रोशे करती हैं. आईलैश एक्सटेंशन भी करती हैं. कैंडल्स भी बनाती हैं. आप सोप्स बनाती हूं. सोप्स सॉरी मैं सारी इंफॉर्मेशन गलत है. कैंडल्स भी बनाती हूं. सोप्स भी बनाती हूं. आप बताएं और ये कैसे शुरू किया क्यों कर रही हैं एक्टिंग के साथ ये सब. अच्छा क्यों कर रही हूं. अच्छा सवाल है. मुझे ऐसा लगता था कि मुझे सिर्फ एक्ट्रेस नहीं रहना था और मुझे लग रहा था कि कुछ मिसिंग है लाइफ में. कुछ पढ़ना चाहिए कुछ करना चाहिए. और क्योंकि मैंने इतना पढ़ा नहीं तो मुझे एक अपने अंदर ये भी हमेशा से एक कमी लगती थी कि मुझे पढ़ना चाहिए था. और फिर जब आप बड़े हो जाते हैं ना फिर आप कहते हैं सही है एक्टिंग भी कर लिया करियर. अब आप पढ़े होते हैं करियर बनाने के लिए राइट. लेकिन करियर जब बन गया तो मुझे लगा कि नहीं एक्चुअली आप करियर तो किसी भी तरह बना ही लेते हैं लेकिन उसको सस्टेन और मेंटेन करने के लिए एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. तो अभी जो लड़के लड़कियां आ रहे हैं इंडस्ट्री में जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको मैं यही कहूँगी कि वो आज उनको अच्छा लग रहा है ना जब वो हमारी स्टेज पर आएंगे दे विल रिग्रेट फॉर श्योर. क्योंकि आप फिर अपने से बड़े लोगों से मिलते हैं बेहतर लोगों से मिलते हैं और फिर उनके साथ कॉन्वर्सेशन करने के लिए आपके पास कुछ नहीं होता. आप कब तक अपनी सिर्फ बताएंगे कि मैंने क्या किया. नहीं आपको पता होना चाहिए मार्लन मनरो
आपने क्या कहती थी, सही बात, या वो कौन थी, या माइकल जैक्सन कौन थे, या नुसरत फतेह अली साहब का क्या कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स द इंडस्ट्री कि वो आपको इंटरनेशनल ले गए. मैडम नूरजहां ने क्या क्या किया, आपको पता होना चाहिए. कबीर खान साहब कौन है, यू शुड नो, यू शुड नॉट कम ऑन सेट एंड सिट डाउन से कौन कबीर खान साहब. ये होता है, ये होता है.